इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सूज इंजीनियर्स। हम कर रहे थे सीए फाइनल एएफएम का सिक्योरिटी वैल्यूएशन, जिसमें आज अपन करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे से रीड करते हैं। एबीसी लिमिटेड शेयर आर करेंटली सेलिंग एट ₹13 पर शेयर, देयर आर 10 लाख शेयर आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पर अपन को नंबर ऑफ शेयर दे रखे हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ शेयर है 10 लाख और उनका करंट सेलिंग प्राइस, अभी प्राइस क्या चल रहा है वो भी दे रखा है, दैट इज 13। इसका मतलब 130 लाख हमारी शेयर कैपिटल है अभी की, ठीक है, एग्जिस्टिंग दे रखी है। आगे क्या बोल रहे हैं, द फर्म इज प्लानिंग टू रेस 20 लाख टू फाइनेंस अ न्यू प्रोजेक्ट। फर्म को 20 लाख रुपए और चाहिए एक नए प्रोजेक्ट के लिए, तो अभी उसके पास 130 लाख ऑलरेडी है और न्यू प्रोजेक्ट के लिए उसको 20 लाख रुपए और चाहिए। आगे क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है, व्हाट आर द एक्स राइट प्राइस ऑफ शेयर्स एंड द वैल्यू ऑफ राइट। यहां पर आपको दो चीजें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, पहला एक्स राइट प्राइस और दूसरा वैल्यू ऑफ राइट, और इसमें अलग अलग केस दे रखे हैं। केस नंबर 1, द फर्म ऑफर्स 1 राइट शेयर फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड। पहले जो राइट शेयर का रेशियो है वो है 1:2, यानी कि अगर आपके पास 2 शेयर हैं तो आपको कितना मिलेगा, 1 राइट शेयर, ठीक है। अभी मुझे बताओ कितने हैं, अभी है हमारे पास 10 लाख, इसका मतलब राइट शेयर्स होंगे 5 लाख। नेक्स्ट केस नंबर 2, द फर्म ऑफर्स 1 राइट शेयर्स फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड। यहाँ पर राइट शेयर्स का रेशियो चेंज कर दिया इन्होंने कि अगर आपके पास 4 शेयर्स होंगे तो आपको कितना मिलेगा, 10। इसका मतलब अभी आपके पास 10 लाख है तो डिवाइड करेंगे 4 से तो आपको मिलेगा 2.5, ठीक है, यानी कि मैं बोलूं 10 लाख का हो जाएगा ये 2.5 लाख शेयर्स। तो यहां पर थे 5 लाख और यहां पर होंगे 2.5 लाख। वैसे तो आप फाइनल लेवल पर हो तो आपको ये कैलकुलेट करना आता होगा, लेकिन अगर नहीं भी आता है तो एक बार और मैं बता देती हूँ कि यहां पर था हमारा 1 राइट शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड, यानी कि एग्जिस्टिंग में अगर आपके पास 2 शेयर है तो आपको राइट शेयर मिलेगा 1, ठीक है, इसको इस तरीके से लिखते हैं। तो राइट शेयर का रेशियो हो गया हमारा 1:2। अब एग्जिस्टिंग में हमारे पास कितने शेयर थे, 10 लाख ऑलरेडी गिवन था, तो राइट शेयर्स कितने मिलेंगे, 5 लाख, ठीक है। सेम केस नंबर 2 में 1 राइट शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड, यानी कि अगर आपके पास 4 शेयर है तो आपको कितना मिलेगा, 1 राइट शेयर, तो राइट शेयर का रेशियो हो गया 1:4। तो एग्जिस्टिंग में हमारे पास कितने शेयर है, 10 लाख, तो राइट शेयर्स कितने मिलेंगे, 2.5 लाख, क्लियर। तो यहां पर हमें नंबर ऑफ राइट शेयर्स पता चल गए कि कितने मिलेंगे, पहले केस में 5 लाख, हाईलाइट करके बता देती हूँ, और दूसरे केस में 2.5 लाख। तो इतने आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मिलेंगे, कौन से वाले, राइट शेयर्स वाले। आगे देखते हैं क्वेश्चन की तीसरी रिक्वायरमेंट, हाउ डज द शेयर होल्डर्स वेल्थ होल्डिंग 100 शेयर चेंज फ्रॉम केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। ये बोल रहे हैं शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ है वो कैसे चेंज होगी अगर उसके पास 100 शेयर्स है, केस नंबर 1 में भी बताओ और केस नंबर 2 में भी बताओ, ठीक है। हाउ डज राइट इशू इंक्रीजेस शेयर होल्डर्स वेल्थ। अब यहां पर क्वेश्चन खेल जाता है आपके साथ, यहाँ पर आपका लोगों का दिमाग खराब हो सकता है। उन्होंने बोला उसकी इंक्रीज कैसे होगी, बोल रहे हैं इंक्रीज कैसे होगी, जबकि आप देखो तो इसमें और उसमें अगर वो एक्सरसाइज कर रहा है, जब भी राइट शेयर को अपन एक्सरसाइज करते हैं, या मैं बोलूं इवन हम उसे अगर सेल भी करते हैं, चाहे हम राइट शेयर को एक्सरसाइज करें चाहे हम राइट शेयर को सेल करें, दोनों ही केस में वेल्थ में कोई चेंज नहीं आता, दोनों ही केस में वेल्थ में चेंज नहीं आता, ठीक है। और यहां पर उन्होंने बोल दिया है इंक्रीज इन शेयर होल्डर्स वेल्थ,
अब यहाँ पर आपका दिमाग खराब हो सकता है, इसलिए ये पॉइंट डाला गया है सिर्फ और सिर्फ दिमाग खराब करने के लिए। इसको अगर आप इग्नोर करके चलोगे तो आपका क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा, ये वाली लाइन को, ठीक है। तो ये वाली बात याद रखना, अगर आपने राइट शेयर को एक्सरसाइज किया है या आपने राइट शेयर को सील किया है, दोनों ही केस में आपकी वेल्थ चेंज नहीं होगी, और ये हम प्रूव भी कर लेंगे जब हम ये क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। हाँ, एक केस बनता है जब आप राइट शेयर का कुछ भी नहीं करो, ना आप एक्सरसाइज करते हैं ना आप सेल करते हैं, तब दिक्कत आ सकती है, क्योंकि तब आपकी जो वेल्थ है वो कम हो जाएगी, क्योंकि राइट शेयर सामने आए थे और आपने ना ही उनको एक्सरसाइज किया ना ही आपने उन्हें सेल किया, तो यहाँ पर आपकी वेल्थ जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन बहुत अच्छे से रीड कर लिया है, चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 को भी आसान बनाते हैं। हाँ जी, तो कॉपी पर लिखे गए सिक्योरिटी वैल्यूएशन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी, पहली एक्स राइट प्राइस, तो पहले अपन लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ एक्स राइट प्राइस, ठीक है, और उसका फॉर्मूला लिख देंगे एग्जिस्टिंग एमपीएस इनटू एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स, फिर राइट इश्यू का प्राइस और राइट इश्यू शेयर्स के नंबर, और नीचे डिवाइड कर देंगे एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स प्लस नंबर ऑफ राइट शेयर। ये फॉर्मूला जिसको आता होगा बढ़िया बात है, जिसको नहीं आता उनको मैं बता दूं, जैसे बचपन में आपने कंबाइंड मीन पढ़ा था ना, दो मीन आपको दे रखे थे, दोनों को आपको कंबाइन करके मीन कैलकुलेट करना था, उसी तरीके से यहाँ पर भी है। देखो, दो शेयर्स की आपको प्राइस दे रखी है, ये रहा एक एग्जिस्टिंग शेयर्स की प्राइस और दूसरी आपको राइट इशू की प्राइस, दोनों प्राइस को आपको कंबाइन करके बताना है कि अब एवरेज प्राइस क्या रहेगा। तो देखो, पहले आप क्या करो, जो भी एग्जिस्टिंग प्राइस है उसको एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर से इंटू कर दो, फिर जो भी राइट शेयर्स की प्राइस है उसको राइट शेयर से नंबर इंटू कर दो, बस जैसे वो होता था ना, मीन निकाला था और नंबर ऑफ आइटम्स इंटू करते थे, फिर जो दूसरा मीन था उसको नंबर ऑफ आइटम्स इंटू करते थे, और डिवाइड में क्या करते थे, दोनों के जो नंबर ऑफ आइटम्स है उनको प्लस करते थे। सेम केस यहाँ पर है, तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, इसको रटने की कोशिश नहीं करना, रटा भी नहीं जाएगा, वहां पर जाके भूल जाओगे, समझो बहुत सिंपल है, दोनों का प्राइस और नंबर ऑफ शेयर्स लेना है, ठीक है, और डिवाइड में दोनों के नंबर ऑफ शेयर्स। सेकंड रिक्वायरमेंट थी हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ राइट। अब वैल्यू ऑफ राइट कैसे कैलकुलेट होता है, जो भी आपकी एक्स राइट प्राइस यानी कि जो ऊपर क्वेश्चन में कैलकुलेट होकर आएगा ना, उसको आप राइट इश्यू प्राइस से माइनस कर दो, कि राइट शेयर्स के बाद जो प्राइस होगी वो ये होगा, राइट शेयर्स के बाद जो प्राइस रहेगी मार्केट में वो ये होगी, और आप राइट शेयर किस में इशू कर रहे हो, इसमें, तो ये पता चल जाएगा कि हमारा राइट का वैल्यू कितना है, ठीक है। एक्स राइट प्राइस क्या होता है, राइट शेयर इशू करने के बाद की प्राइस, तो वो क्या प्राइस रहेगी और हमें शेयर्स कितने में मिले हैं, दोनों का डिफरेंस पता कर लोगे तो पता चल जाएगा वैल्यू ऑफ राइट कितना है। और यही चीज यानी कि वैल्यू ऑफ राइट आपको पर शेयर कैलकुलेट करना हो, वैल्यू ऑफ राइट आपको पर शेयर कैलकुलेट करना हो तो कुछ भी नहीं है, जो अभी आपका वैल्यू ऑफ राइट कैलकुलेट होकर आया है ना, जो वैल्यू ऑफ राइट कैलकुलेट होकर आया है उसको डिवाइड कर देना आपको नंबर ऑफ शेयर से, कौन से नंबर ऑफ शेयर जो आपको रिक्वायर्ड है एक राइट शेयर खरीदने के लिए, ये दोनों किस में अलग अलग है याद रखना, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ राइट पर शेयर कैलकुलेट करना हो तो वैल्यू ऑफ राइट जो निकल कर आया है उसको डिवाइड कर दो जितने भी आपको शेयर्स की रिक्वायरमेंट है टू परचेज वन राइट शेयर, ठीक है। अभी फॉर्मूलों की बातें हो रही है तो हो सकता है हर चीज ना समझ में आए, अभी हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केस नंबर 1 की। केस नंबर क्या था, व्हेन वन राइट शेयर्स फॉर टू शेयर्स, यानी कि अगर आपके पास दो शेयर है तो आपको कितना मिलेगा, वन राइट शेयर, तो राइट शेयर का रेशियो ये था। इसका मतलब मैंने आपको ये भी बता दिया था कि आपको नंबर ऑफ राइट शेयर्स कितने मिलेंगे, कैसे बताया था मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ते टाइम कि आपके पास 10 लाख शेयर्स है, यानी कि ये 2/2 है, 10 लाख शेयर्स है तो आपको कितना मिलेगा, 5 लाख शेयर्स। तो ये थे हमारे नंबर ऑफ राइट शेयर्स। ये क्वेश्चन रीड करते टाइम भी मैंने आपको कैलकुलेट कर दिया था,
ठीक है, तो 5 लाख है हमारे नंबर ऑफ राइट शेयर। अब पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं केस नंबर 1 में एक्स राइट प्राइस, कैसे कैलकुलेट होता है। पहले जो एग्जिस्टिंग प्राइस चल रहा है उसको एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर से इंटू कर देंगे। तो एग्जिस्टिंग प्राइस चल रहा है आपका 13, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर है 10 लाख, ठीक है। उसके बाद राइट शेयर्स का प्राइस क्या है, तो राइट शेयर्स का प्राइस हमें नहीं पता है अभी, और राइट शेयर्स के नंबर ऑफ शेयर्स हमें पता है 5 लाख, ठीक। इसको हम डिवाइड कर देंगे दोनों के नंबर ऑफ शेयर्स से, तो एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स 10 लाख थे और राइट शेयर जो इशू हुए नए 5 लाख, यानी कि टोटल हो गए 15 लाख शेयर। इस तरीके से आपकी एक्स राइट प्राइस कैलकुलेट हो जाएगी। अब बात यह है कि हमें प्राइस नहीं पता राइट शेयर्स की, तो वो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो हमें प्रोजेक्ट के लिए पैसा कितना चाहिए, 20 लाख रुपीस, ठीक है, और उसके लिए नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करने हैं अपन को, 5 लाख। तो इसका मतलब हम कितने रुपए पे इशू करेंगे, 5 × 4 = 20, यानी कि 4 पर शेयर, ठीक है, सिंपल है। हमें 20 लाख रुपए चाहिए और ये भी पता है कि 20 लाख के लिए हमें कितना नंबर ऑफ शेयर्स इशू करना है, 5 लाख, तो कितने रुपए पे करेंगे, 4 रुपीज पर। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया राइट शेयर की प्राइस। अब तो हमारा फॉर्मूला पूरा कंप्लीट है, तो आप फटाफट कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर आ गया 130 लाख, 4 × 5 = 20 लाख और नीचे आ जाएगा 15 लाख, तो 150 / 15, ये आ जाएगा 10 रुपीज पर शेयर। तो एक्स राइट प्राइस कितनी आ गई हमारी, 10 रुपीज पर शेयर, सिंपल है एकदम एक्स राइट प्राइस कैलकुलेट करना। नेक्स्ट क्या है हमारा, वैल्यू ऑफ राइट। अब वैल्यू ऑफ राइट कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो भी हमारा एक्स राइट प्राइस आया है दैट इज 10 रुपीज पर शेयर, उसको डिवाइड कर दो कि हम शेयर कितने में दे रहे हैं, तो हम शेयर दे रहे हैं 4 रुपीज में, 4 रुपीज पर शेयर। तो प्राइस कितना चल रहा है, 10 रुपए, और हम कितने दे रहे हैं, 4 रुपए, यानी कि हमारा अधिकार कितना हुआ, 6 रुपीज पर शेयर, 6 रुपीज पर शेयर। तो क्वेश्चन की दोनों रिक्वायरमेंट हो गई, एक्स राइट प्राइस कैलकुलेट हो गई हमारी 10 रुपीज और वैल्यू ऑफ राइट हमारा कैलकुलेट हो गया 6 रुपीज। अभी इसके आगे हम वैल्यू ऑफ राइट पर शेयर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ राइट पर शेयर। तो जो भी आपका वैल्यू ऑफ राइट आया है, कितना आया है, 6 रुपीज, उसे डिवाइड कर दो नंबर ऑफ शेयर रिक्वायर्ड फॉर परचेज ऑफ 1 राइट शेयर। तो 1 राइट शेयर अगर मुझे खरीदना है तो मेरे पास कितने शेयर होने चाहिए, रेशियो क्या चल रहा था, रेशियो चल रहा था 1:2, यानी कि अगर मुझे 1 राइट शेयर खरीदना है तो मेरे पास कितने ओरिजिनल शेयर होने चाहिए, 2। तो डिवाइड कर दो जितनी आपको रिक्वायरमेंट है। तो इसका मतलब कि पर शेयर आपको राइट कितना मिल रहा है, 3 रुपीज। अच्छा यहाँ पर मैंने गलती कर दी, यहाँ पर मैंने पर शेयर लिख दिया जो कि मुझे नहीं लिखना चाहिए था, ठीक है, खाली 6 रुपीज का राइट है और पर शेयर कितना राइट है, 3 रुपीज, दोनों में बस इतना सा फर्क है। राइट जो है मेरा वो 6 रुपीज है और पर शेयर जो राइट है वो है 3 रुपीज पर शेयर, क्लियर। यहाँ पर हमारा केस नंबर 1 की तीनों रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती है। अब हम बढ़ते हैं केस नंबर 2 पर। केस नंबर 2 का रेशियो था 1:4, यानी कि अगर आपके पास 4 ओरिजिनल शेयर्स है तभी आपको 1 राइट शेयर मिलेगा, ठीक। तो अभी कितने हैं हमारे पास, 10 लाख एग्जिस्टिंग, तो आपको कितने मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ राइट शेयर्स कितने होंगे, और 2.5 लाख जो शेयर्स हैं ये मैंने ऑलरेडी आपको जब क्वेश्चन पढ़ रहे थे तब भी कैलकुलेट करके बताया था, अब एक बार फिर से बता दिया, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, सेम प्रोसेस रहेगा हमारा, पहले हम करेंगे एक्स राइट प्राइस। एक्स राइट प्राइस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एग्जिस्टिंग प्राइस क्या चल रहा है, 13 रुपीज, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 10 लाख, प्लस राइट शेयर का प्राइस कितना है, 6 रुपीज। अरे वो तो केस नंबर 1 में था, इसमें क्या है, इसमें अभी हमें पता नहीं है। नंबर ऑफ राइट शेयर्स पता है, बिल्कुल 2.5 लाख, ओके,
जितना बताए पहले उतना लिख देते हैं। नीचे नंबर ऑफ शेयर्स पता है, एग्जिस्टिंग थे 10 लाख प्लस राइट शेयर्स में आएंगे 2.5 लाख, यानी कि 12.5 लाख हो गए। तो सारी क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट हमारी कंप्लीट है, बस कैलकुलेट करना है, आंसर आ जाएगा। बस एक चीज अपन को नहीं पता, वो क्या है, राइट शेयर कितने में इशू हुए, राइट शेयर कितने में इशू हुए। तो वो बहुत सिंपल है, देखो हमें ये पता है हमें पैसा कितना चाहिए 20 लाख, और उस पैसे को लाने के लिए हमें शेयर्स कितने इशू करने हैं 2.5 लाख। तो मुझे 20 लाख रुपीज चाहिए और 2.5 लाख शेयर्स इशू कर रहे हैं, यानी कि मुझे कितने पे करना इशू कर रहा, सॉरी मुझे जो शेयर है वो कितने पे इशू करना पड़ेगा 8 रुपीज, मुझे शेयर इशू करना पड़ेगा 8 रुपीज, यानी कि राइट शेयर 8 रुपये का हो जाएगा। क्लियर? अब बस इसे कैलकुलेट करते हैं, ये आ जाएगा 130 लाख प्लस 20 लाख डिवाइड कितना होगा 12.5 लाख। तो 150 को डिवाइड करेंगे इस बार 12.5 से, तो ये आ गया 12 रुपीज पर। तो एक्स राइट प्राइस हमारा कैलकुलेट होकर आ गया 12 रुपीज। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या थी, वैल्यू ऑफ राइट। वैल्यू ऑफ राइट सिंपल, जो भी हमारा एक्स राइट प्राइस आया है दैट इज 12 रुपीज, माइनस कर दो, जो भी हमारा एक्स राइट प्राइस आया है 12 रुपीज माइनस कर दो कितने में शेयर हमने दिया था 8 रुपीज। हमने कितने में राइट वाला शेयर दिया था 8 रुपये, और उसके बाद कितना प्राइस हो जाएगा इसका 12 रुपये, यानी कि हमें फायदा वैल्यू ऑफ राइट अधिकार कितना मिला 4 रुपीज, 4 रुपये का अधिकार हमें मिल चुका है। अब यही देखना चाहें कि वैल्यू ऑफ राइट पर शेयर कितना होगा, भाई 4 रुपये तो आपने बता दिया, पर शेयर कितना होगा। तो जो भी आपका वैल्यू ऑफ राइट कैलकुलेट होकर आया है उसको डिवाइड कर दो जितना आपको रिक्वायरमेंट थी। तो उसका रेशियो कितना था 1:4 सेकेंड वाले केस का, यानी कि एक अगर मुझे राइट शेयर चाहिए तो मुझे ओरिजिनली कितना शेयर होना चाहिए 4, तो उससे डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 1 रुपीज। तो केस नंबर 2 का सबसे पहले हमने एक्स राइट प्राइस भी कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद राइट का वैल्यू ऑफ राइट भी कैलकुलेट कर दिया, और वैल्यू ऑफ राइट पर शेयर भी हमने कैलकुलेट कर दिया। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन की दो जो केस थे दोनों के दोनों कंप्लीट है। अब आता है हमारा क्वेश्चन का तीसरा पार्ट, वो है शेयर होल्डर्स की वेल्थ में बताओ क्या चेंज आया शेयर होल्डर्स की वेल्थ में। ठीक है, तो दोनों केस होंगे। पहला केस क्या था हमारा, जब 1:2 चल रहा था राइट शेयर का रेशियो, और दूसरा था जब 1:4 चल रहा था। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं केस नंबर 1 में। केस नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो मेरी पहले शेयर होल्डर की वेल्थ कितनी थी, पहले वेल्थ कितना था। तो हमारे शेयर होल्डर के पास पहले कितने शेयर्स थे 100 शेयर्स, और उसका प्राइस कितना चल रहा था 30, यानी कि 1300 रुपये शेयर होल्डर की वेल्थ थी। अब बात करते हैं हम आफ्टर राइट इशू, दोनों में लिख देती हूँ, ये आफ्टर राइट इशू की बात है और ये वाली बिफोर राइट इशू की। ठीक है, आफ्टर राइट इशू क्या हुआ, हमारे पास शेयर्स कितने हुए सबसे पहले मुझे ये बताओ, अगर 100 शेयर्स हैं तो इस हिसाब से हमारे पास कितने होंगे 50 राइट शेयर, 100 राइट शेयर्स हैं तो इसके हिसाब से हमारे पास कितने हो गए 50 राइट शेयर। और अब हमारे पास कितने टोटल शेयर्स हो गए होंगे 100 शेयर्स प्लस 50 शेयर्स, यानी कि 150 शेयर। और आफ्टर राइट इशू प्राइस क्या चल रहा है, एक्स राइट प्राइस हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे जो कि था 10, तो ये आ गया 1500। अब सब लोग सोचेंगे अरे वाह, राइट इशू के आने के बाद यानी आफ्टर राइट इशू, बढ़िया बात है, ये तो हमारी वेल्थ तो इंक्रीज हो गई, पर ऐसे कैसे, अभी रुको पिक्चर अभी बाकी है, ये इंक्रीज हो कैसे गई मुझे बताओ। राइट शेयर लेने में क्या आपका कोई पैसा नहीं गया, बिल्कुल गया, जो आपने 50 राइट शेयर्स लिए हैं ये फ्री में थोड़ी आए थे, बोनस थोड़ी था, फ्री में तो आए नहीं थे, तो आपको कितने रुपए देने पड़े थे, एक राइट शेयर आपको 4 रुपए का मिल रहा था कि नहीं,
इसका मतलब 5 4 20, 200 रुपए के आपको पैसा भी तो देना पड़ा, तभी तो ये 50 शेयर्स आपको आए, फ्री में थोड़ी आए, बोनस थोड़ी चल रहा। तो आपको 200 रुपए देने पड़ रहे थे राइट शेयर्स को परचेज करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए अपना राइट। तो आपकी वेल्थ कितनी हुई? 300। इसका मतलब सिंपल है कि आपकी जो वेल्थ है बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है। पहले भी आपकी 1300 थी और अभी भी 1300 है। और ये मैंने शायद आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि चाहे आप राइट शेयर को एक्सरसाइज करते हो, राइट शेयर को सेल करते हो, आपकी वेल्थ में चेंज बिल्कुल भी नहीं आता है। ठीक है, हाँ, इग्नोर करते हो, राइट शेयर को देखते तक नहीं हो, तब आपकी वेल्थ डिक्लाइन हो जाएगी। अभी हमारा एक केस और बचा है, इसमें भी हम प्रूव कर लेंगे कि हमारे जो शेयर होल्डर की वेल्थ है वो चेंज नहीं होगी। यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम देखते हैं बिफोर राइट इशू की बात। तो बिफोर राइट इशू तो सेम ही रहेगा, शेयर होल्डर के पास 100 शेयर्स थे और प्राइस चल रहा था 13, तो उसकी जो वेल्थ हो गई वो 1300 रुपीज। अब बात करते हैं आफ्टर राइट इशू की। आफ्टर राइट इशू इसके पास शेयर्स कितने हो गए? यहाँ पर चल रहा था 1:4 का रेशियो, यानी कि 100 के लिए इसको मिलेंगे सिर्फ 25 शेयर, यानी टोटल कितना शेयर हो गया? 125 शेयर्स। और फिर प्राइस कितना चल रहा था? एक्स राइट प्राइस हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया था। राइट शेयर्स के आने के बाद जो प्राइस होने वाला है वो है 12। इसका मतलब 125 × 12 ये हो गया 1500। अगेन खुश मत हो जाना कि भाई वेल्थ इंक्रीज हो गई, 1300 से 1500 हो गई। नहीं, रुको रुको, ये बताओ ये जो 25 शेयर्स आपने लिए हैं राइट के, क्या वो फ्री में मिले थे? नहीं, उसके लिए हमें प्राइस देना पड़ा था। कितना? एक के लिए एक राइट शेयर कितने में मिल रहा था आपको? 8 रुपए में मिल रहा था, याद है? 8 रुपए में मिल रहा था। इसका मतलब 25 × 8 200 ही आएगा। हाँ, तो आपको राइट शेयर्स परचेज करने के लिए 200 रुपये देने पड़े, ये आपका पैसा गया। तो कितना आ गई आपकी वेल्थ? 1300 रुपये। तो देखो, अगेन हमने प्रूव कर दिया कि राइट शेयर्स आने के बाद शेयर होल्डर्स की वेल्थ में कोई भी चेंज नहीं आया। ठीक है, तो एक लाइन जरूर लिख देना, देयर विल बी नो चेंज इन द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर आइदर इन केस ए और इन केस बी, दोनों ही केस में कुछ भी चेंज नहीं आया। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि इसमें सारी चीजें कवर है, एक्स राइट प्राइस, वैल्यू ऑफ राइट, वैल्यू ऑफ राइट पर शेयर, और साथ के साथ शेयर होल्डर्स की वेल्थ भी कवर है। तो क्वेश्चन अच्छा है, एक बार अपने से जरूर करिएगा और बता दीजिएगा समझ में कितना अच्छे से आया, कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को, इसी तरीके से आपको सॉल्यूशन मिलते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।